आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? विनायक कितने साल की है? टू। अस्सलाम वालेकुम। आज की जर्नी काफी क्रेजी होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम कराची टू ग्वादर और तकरीबन आई थिंक 8 घंटे का रास्ता है और हम सिंध से बलूचिस्तान का सफर करने वाले हैं विच इज़ गोना बी सो मच फन एंड वी गोना टेक यू गाइस अलोंग विद अस इंशाल्लाह। बस सीधा ही वहाँ जाके ठहरेंगे आज और फिर आगे जो करेंगे वो आप सब लोग पूरी वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर यू गाइस वॉच आवर एंटायर वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड एंड हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड। इस टाइम पे ग्वादर के रास्ते पर हैं और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हब चौकी में। तो ये बलूचिस्तान की हदूद जो है वो शुरू हो चुकी है और हब चौकी पे रुकने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग यहाँ से जल्दी से पानी की बोतलें, कुछ खाने पीने की चीज़ें, खैर हम लोग नहीं खाएंगे, इनाया खाएगी और हमारे वालदे खाएंगे क्योंकि वो बगैर खाए और बगैर मुँह चलाए सफ़र जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते। तो हब चौकी से जल्दी से निकलेंगे, उसके बाद हम लोग आप लोगों को आगे के मनाजिर दिखाते हैं। अभी यहाँ से गडानी, मेरे ख्याल से गडानी और सुमयानी जो है वो 15 या 16 किलोमीटर दूर है, तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ के व्यूज दिखाएंगे। तो चलते हैं। तो हम लोग इस टाइम पे पहुंच चुके हैं कुंडमलीर और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे ग्वादर। तो कुंडमलीर में हम लोग बस जल्दी से एक छोटा सा चाय का वक्फा लेंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और फिर वापस अपने सफ़र पे जो है चल देंगे ग्वादर के लिए। अच्छा हाँ, यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे दूर जो है वो ओरमारा बीच है जो कि बहुत खूबसूरत साहिल समंदर है और वहाँ पे एक रिजोर्ट भी है जहाँ पे रुकने का हमारा इरादा है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो हम इंशाल्लाह करेंगे ग्वादर से वापसी में। तो कल हमारी ग्वादर से वापसी होगी, आज का पूरा दिन जो है ग्वादर में स्पेंड करेंगे। कल का दिन भी आधा जो है वो हम प्लान यही है हमारा इंशाल्लाह कि वहीं पर गुजारें ग्वादर में, वहाँ की मार्केटें, वहाँ के लोग, वहाँ के खाने, वहाँ की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करें, आप लोगों को दिखाएं और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे वापस ओरमारा और वहाँ पर रुकेंगे हफ तलार, मेरे ख्याल से तलार रिजोर्ट का नाम है। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ के लोकल बच्चे भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सारिब। आप ये कहते हो आपकी चाय आ गई, हमारी है नहीं, ये अंदर रख दे। तो मम्मा नहीं, मम्मा ने गाड़ी में पीनी है। गाड़ी में वेलकम टू बलूचिस्तान। मुझे लगता था कि सबसे अच्छे बीचेस ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन मुझे लगता है आई एम गोना बी प्रूवन रॉन्ग बिकॉज लुक एट दिस गॉर्जियस साइट गाइस। ठंडा नीला पानी, ब्यूटीफुल गोल्डन सैंड और ये पहाड़ है इसके सामने। दिस इज इनसेन। तो ये बात है कि कुछ साल पहले तक मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि बलूचिस्तान या ग्वादर मैं जाऊँ फॉर अ हॉलीडे, पर आज वो चीज़ होने वाली थी। वी वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ग्वादर फॉर वेकेशन और मेरे दिमाग में बस ये आ रहा था कि होगा क्या, हालात कैसे होंगे,
What is the reality of Balochistan? What is the reality of Gwadar? क्या औरतें वहाँ विजिट कर सकती हैं या आराम से घूम फिर सकती हैं? Well, I was gonna find that out pretty soon. लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ व्यूज एंजॉय कर रही थी और मेरे इर्द गिर्द था हिंगोल नेशनल पार्क. It seriously feels like you are on another planet. ग्वादर हम पहुँचे रात के 10 बजे और फौरन सब सो गए बिकॉज बहुत लंबी ड्राइव थी और अगला दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला था. Good morning from Gwadar. I seriously have been taken back by these amazing views. सुबह की कॉफ़ी इनफैक्ट मैंने यहीं इंजॉय की है और मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती ये बलोचिस्तान है. मेरे दिमाग में ऐसा था कि पता नहीं कैसा होगा बलोचिस्तान, बट सीरियसली दिस प्लेस इज अमेजिंग. ग्वादर इज द मेन पोर्ट सिटी ऑफ बलोचिस्तान एंड इट कनेक्ट्स अस टू सो मेनी अदर कंट्रीज. लेकिन आज हमें बहुत कुछ करना था एंड वी सीरियसली नीडेड सम फ्यूल. तो फिर हम पहुँचे माशाला रेस्टोरेंट. वी गॉट सम एग्स और ट्रेडिशनल ग्वादर के पराठे. ऑफकोर्स चाय भी होनी थी और फिर शुरू होना था हमारा एडवेंचर. सो तानी इज गोना ट्राई टू प्ले फुटबॉल विद दीज क्यूट किड्स बिकॉज़ दे लव प्लेइंग फुटबॉल. चलो चलो किक मारो किक मारो. ओए नहीं मारना नहीं मारना नहीं. इनकी लड़ाई हो गई. ओ ओ एक मुक्का इसने मारा उसको. हाँ चलो चलो मुक्का. तो भाई हम लोग इस टाइम पे ग्वादर के जन्नत बाजार में मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम लोग जन्नत में आ गए. क्यों इंतजार? Because I'm in a ladies heaven. यहाँ हर किस्म के कपड़े हैं, कढ़ाइयाँ हैं, ज्वेलरी है, जूते हैं, खाने हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं. यहाँ पे हर वो चीज़ है जो आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं. यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे आंटियाँ हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे रौनक है, यहाँ पे मतलब चहल पहल है. And there's the cutest little kids, they're just walking around and they're so adorable. आजो आजो. बहुत शाय हो गए हैं. लेकिन दिस इज़ द प्लेस टू कम टू इफ यू कम टू ग्वादर. यहाँ पे आपसे आपको आके शॉपिंग करनी और जो मैंने कपड़े पहने यू हैव टू बाय द एग्जैक्ट सेम क्लोथ्स. सो आई जस्ट फाउंड दिस अडोरेबल लिटिल गर्ल. कितनी अडोरेबल है ये. और ये ग्वादर की सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है. यू डेफिनेटली हैव टू कम हियर. कुछ सिंधी में मजे की बात बोलो अपनी जबान में. गाइस मेरी शक्ल की खुशी देख के आप सबको पता चल रहा होगा कि मैं वाकई में एंजॉय कर रही थी अपनी ट्रिप. और अगर आप हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक. लेकिन वेट, मैं तो बहुत खुश हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन तानी को भी तो थोड़ा और खुश करना है ना. सो आई थिंक वी शुड मेक आवर वे टू ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम बिकॉज तानी ओ ही एब्सोल्युटली लव्स क्रिकेट. बस हजार हम मेहमान हैं आपके, मेहमान हैं हम. अब हमने क्या जाना है? आपका दानी भाई इस टाइम पे ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है और इस टाइम पे हम लोग पिच का मुआयना करने आ चुके हैं. तो मुझे लग रहा है पिच की वैसे सूरत हाल देख के आइडिया ये हो रहा है कि थोड़ी सी नमी होगी पिच में और बॉल जो है वो आउटसिंग होगा. मुझे ये नहीं पता कि आउटसिंग क्या होती है लेकिन होगा. नहीं आउटसिंग होती है जो बाहर निकलती है, इतना भी मैं नाड़ी नहीं हूँ. और इनस्विंग होती है जो अंदर आती है. लेकिन क्या पिच है यार, क्या स्टेडियम है और क्या ये नज़ारे हैं स्टेडियम के अतराफ में. खूबसूरत टीले मिट्टी के कुदरती तौर पर बने हुए हैं और क्या मज़ा आएगा अगर यहाँ पर आप क्रिकेट खेलो. मतलब इससे अच्छी जगह मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती क्रिकेट खेलने के लिए. और क्या लश ग्रीन आउटफील्ड है. बॉल भी गुम हो सकती है. बॉल गुम हो सकती है तो इसलिए आपको एहतियात करनी है. आपको ज्यादा जोर से छक्का नहीं मारना ताकि बॉल इधर कहीं टीले के उधर उस पार चली गई. तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि कहकशां बॉल तो फेंक दो यहाँ. तानी को अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं. सो ही इज डिसाइडेड कि मैंने ये पानी में छलांग मार दी. ओह माय गॉड लुक व्हाट ही इज होल्डिंग. ये क्या था, क्या था ये? ये क्या है? पता नहीं क्या. ओए तो स्विमिंग हो रही है.
ये छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के ला रहे हैं। ये और ये तो आप लोग खाओगे? ये पानी में फेंक दोगे वापस? ओए ये तो मर जाएगी बेटा, वापस डाल दो। तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं ग्वादर शिपयार्ड पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है हम लोग आप लोगों को पूरे ग्वादर की सैर कराएं लेकिन आप लोगों को शिप्स यहाँ की ना दिखाएं। इतनी फिट यहाँ पे कश्तियाँ हैं, यहाँ पे जो कारीगर हैं, जो यहाँ पे मछेरे हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम महीने लगा देते हैं एक कश्ती को तैयार करने में। और यहाँ पे जितने भी मकामी लोग हैं, जितने भी मेन लोग हैं, उनका जरिया माश जो आमदनी कमाने का तरीका होता है वो मछलियाँ पकड़ना, और यही होता है मछेरे हैं वो। तो वो लोग सुबह सवेरे यहाँ से जाते हैं और मछलियाँ पकड़ के शाम में वापस आते हैं। और फिर क्या करते हैं साहब? यार फिर वो फ्राई करके खा लेते हैं मछली एंड द अदर थिंग। नहीं नहीं, फ्राई करके हम लोग खाते हैं, वो लोग मार्केटों में जाके जो है वो मुख्तलिफ दुकानों में बेचते हैं ताकि हम वहाँ से खरीद के खा सकें। और बच्चे यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं उन्हें छोटे से पेपर कप में, छोटी छोटी, बिल्कुल। इसका नाम होता है ना यार, मैं नाम भूल गया हूँ, छोटी वाली मछली को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप लोगों को एक अहम बात बताना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि ग्वादर का मीनिंग क्या है। तो ग्वा मींस टू विन, और गर का मतलब है डोर, व्हिच मींस डोर टू विन। इज दैट सो लाइक, क्या खूबसूरत नाम है, क्या शानदार नाम है। मछलियाँ नजर आ रही हैं, अच्छा ये फिंगर है मुश्का, अच्छा ये मुश्का, और कांटा किसमें काम होता है? अच्छा इस वाली में। और सबसे ज्यादा कौन सी पसंद की जाती है, जायका किसका सबसे अच्छा होता है? क्या बोलते हैं आप? गोड। कुछ कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सन की सेटिंग हो रही है, और वो सेटिंग हो रही है। अबे किससे सेटिंग हो रही है लेकिन सन की? अच्छा पहाड़ों से हो रही है। पहाड़ों से। So the sun is like pretty much meeting the pahar and it's a beautiful. ये तालियां क्यों बज रही हैं? क्या हो रहा है? It's a beautiful friction. It's a beautiful meeting. चलो अब जंप भी कर दो। यार ये शानदार किस्म के जो सनसेट होते हैं ना वो देख के बंदी जो है ना खिसक जाती है, आप इसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यार हम लोगों ने ग्वादर के, कहाँ गए थे हम लोग? गए थे ग्वादर का जेटी है, वहाँ पे बड़ा फिट किस्म का फिश ऑक्शन बाजार है, तो वहाँ पे हर किस्म की मछली आपको मिल जाएगी। हमने वहाँ से ली है गोल, जो कि मकामी बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा हमने ली है, नहीं गोर जो है उसको उर्दू में सुरमई कहते हैं, और हमने लिए पापलेट, और उसके साथ हमने लिए कौन से टाइगर प्रॉन्स बड़े वाले। तो ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे खाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ आ जाएं जल्दी से। हम लोग निकलते हैं अब पुरवारा की तरफ, बारबेक्यू करते हैं, ग्रिल करते हैं, और आप लोग वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। Guys, we have arrived in Ormara, और Ormara में ये I think ultimate जगह है ठहरने की। It's called Haft Talar Beach Resort, और हमारा ये वाला रूम है which is called Gem Easier, और this is like a family room, so you get a living room and you get two actual rooms and you get a toilet. लेकिन सबसे मज़े की चीज़ बाहर का व्यू है, because right in front of us is the ocean view, और सुबह amazing ये है। We are seriously fans of this. We have actually camped here before and it's amazing. So, kamre ka tour to banta hai na. So, when you enter, we've got this living room, which is perfect. Aap apna dinner yahan kar sakte hain, darwaza khole, thandi hawa khaye. I really love how they've like set it up. I think ye balochi hai. Ha. Really nice. So, we've got two rooms. Aapko is room mein leke jaate hain.
So agar aapko double bed chahiye, you can just like remove this and join it together. This is perfect because aapko ye log mattresses bhi dete hain if you need it. If you want to come with like friends and a big family, aap apne mattresses bhi laga sakte hain. This is the bedroom. और सबसे अच्छी बात ये है कि इट इज सुपर क्लीन और बीच में टॉयलेट भी है कुछ अनशोई. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द बाथरूम. सो आई थिंक दिस टॉयलेट हैज ऑल द एसेंशियल्स. अगर आपको बैठ के नहाना है, ये छोटी सी स्टूल रखी हुई है, यू कैन सिट ऑन देयर. और ये छोटी सी टैप खोल के आप इसके नीचे बैठ सकते हैं. डिपेंड्स हाउ टॉल यू आर. इफ यू आर टॉल, यू कैन जस्ट यूज द शावर. WC नहीं है यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास. इस रूम की बेस्ट चीज ये है कि इसकी विंडो से हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है. एंड यू कैन सी इट राइट नाउ, बट नाउ यू कैन सी इट, इट्स राइट देयर. सो दैट इज दैट. टाइम टू मेक आवर बारबेक्यू. सो गाइस, इट इज टाइम टू our barbecue. और ये आप देख सकते हैं हमने फ्रेश फिश लिया. अभी ये सुरमई है और गोर भी कहते हैं ना बलोची जबान में, गोर समथिंग लाइक दैट. और ये है हमारे झींगे, जंबो प्रॉन्स. सो दीस आर जंबो प्रॉन्स व्हिच आई हैव मिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो सब में मैंने नींबू डाल दिया है एंड देन आई गॉट सम फिश मसाला ओवर हियर. और इसमें लाइक सिर्फ टाइनी टाइनी बिट डलेगा. Because I want to preserve the taste. इसमें भी थोड़ा सा डालेगा फिश मसाला. चाय और फिर इसमें भी डालेगा. I'm gonna rub it in a second. But तो छोटी वाली का नाम है धोसर और बड़ी वाली जो है वो पापलेट है. Exactly. So हमने डाला है इसमें लीमू. हम इसमें कम से कम चीजें डालेंगे because we want like इसका अपना टेस्ट आए. और हमारे पास यहाँ पे गार्लिक और जिंजर का पाउडर है. इसमें कुछ नहीं डलेगा, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा गार्लिक और जिंजर पाउडर डलेगा. एंड आई एज लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर दिस फिश. इसके अंदर अभी मैंने जो झटपट वाली कढ़ाई है इसमें टमाटर डाले और मसाला डाले. मसाले में सबसे पहले नमक मिर्च हल्दी धनिया. और ये मुर्गी की कढ़ाई बना रहे हैं. मुर्गी हमने ग्वादर से खरीदी थी. और ये मैं टमाटर डाल रही हूँ. ये यहाँ पे तो मुर्गी को आपने पहले थोड़ा सा तेल में फ्राई किया या? हाँ, फ्राई किया है मैंने. अदरक लहसुन डाल दिया. लहसुन डाल के उसके बाद में मैंने मसाले डाले हैं. मसाले कौन कौन से डाले हैं आप? मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया, धनिया नहीं है खाली, नमक मिर्च और जीरा पाउडर. और ये अब इसमें टमाटर शामिल हो रहे हैं. और ये झटपट वाली है, यहाँ पे हम सफर में हैं. सफर में घर वाली ने कढ़ाई नहीं बन रही है. वो कहते हैं कि सफर में आप जो भी बनाओ वो मजे का ही बनता है. Yeah, you gotta get it in real deep. Yeah, brothers and sisters. So usually, you know, you wouldn't expect your girl from a town to like know cooking, but guys, I can cook some good things. So this is our barbecue situation. Inaya is having some fish. Dani over here is about to grill some more fish. And I am here. You are doing your work. I am telling you, the machine you are watching, I have pulled it. बहुत आला, बहुत टाइट, बहुत पॉप मछली बनी थी. अच्छा ये कौन सी थी? ये थी धोधर. तो ये हमने ग्वादर से खरीदी थी और मम्मा ने इसको हल्के से तेल में फ्राई किया है और ये ख़त्म हो चुकी है. बस ये एक हड्डी रह गई है, कंगी जो जिसको कहते हैं, कंगी रह गई है. बाकी मछली जो है वो माशाल्लाह इनाया, मम्मा, पापा, इंतिसाल, मैंने फाड़ फूड़ दी है. बाकी मछली के साथ ये करेंगे कि हम उसको जो है ग्रिल करेंगे, बारबेक्यू करेंगे. सो दीज गाइस हैव बीन रियली नाइस. इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे अंगीठी सेट कर दी है एंड वी हैव गॉट आवर फूड हियर एंड ऑफ कोर्स द बीच इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस. तो बहुत मज़ा आ रहा है ना. Hey, you're making people jealous. Well, अब आप सब ये सोच होंगे कि what really is the reality of Balochistan? इन लोगों ने क्या महसूस किया?
आई फेल्ट सेफ, आई फेल्ट हैप्पी और मैंने बहुत इन्जॉय किया ये ट्रिप. हम जहाँ जा रहे थे हम वेलकम्ड फील कर रहे थे. इनफैक्ट जब हम माशाल्लाह रेस्टोरेंट गए तो ओनर्स लिटरली इन्वाइटेड अस इनटू देयर किचन. इतना मज़ा आया बच्चों के साथ खेल के. जो लोकल्स थे यहाँ के दे वर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज बट दे स्टिल मैनेज टू इन्वाइट अस टू देयर होम्स. मैं मजाक नहीं कर रही थी, इन्वाइटेड अस एट होम फॉर टी. बहुत मज़ा आया और बहुत वेलकम फील किया मैंने. आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि आप सब लोग अपनी आंखों से देखें ये जगह. इट रियली इज़ ब्रेथ टेकिंग एंड अनलाइक एनीवेयर एल्स इन पाकिस्तान.